पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सावन के दूसरे सोमवार के दिन हरिद्वार से जल भरकर शिव भक्त मुरादाबाद से गुजर रहे हैं। शिव भक्तों को यात्रा करते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कांवर पद मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। बड़े वाहनों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों से कोई समस्या खड़ी न हो। मुरादाबाद की कांड तहसील से मुरादाबाद महानगर आने वाले सभी यात्रियों को कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगवानपुर के शेरवा चौराहे पर ही वाहन चालकों द्वारा सवारियों को उतार दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि यहां से मुरादाबाद को जाने के लिए हमें अनुमति नहीं है, जिसके बाद सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। अगवानपुर के शेरवा चौराहे पर भारी संख्या में यात्री खड़े दिखाई दे रहे हैं। सभी का ये कहना है कि मुरादाबाद की ओर जाने वाले वाहन हमें नहीं मिल पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांवर यात्रा के मद्देनजर वाहन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कहीं कहीं सवारी को कोई परेशानी नहीं है। रास्ते में कहीं पुलिस परेशान कर रही है? कोई सवारी नहीं, कोई रास्ते में दिक्कत नहीं, कोई कार की परेशानी नहीं, कोई पुलिस परेशान नहीं कर रही है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया। नहीं चलाते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है सवारियों में? दिक्कत आ रही है, दिमाग पुलिस परेशान कर रही है? कोई परेशान नहीं कर रही है। सवारियों में कैसी दिक्कत है? सवारी में कोई दिक्कत नहीं, सवारी आराम से बैठी जा रही है। क्या सवारी की पूरी परेशानी है? सवारी की तो बहुत परेशानी पड़ी है। कहाँ जाना है आपको? जाना तो रेलवे स्टेशन है, बरेली जाना है, लेकिन दिक्कतें तो पैदा हो रही है। जो सवारी को तो चलना ही चाहिए। आधे घंटे से सवारी का इंतजार करा, मैं नहीं मिल रही। अब ये लोकल सवारी नहीं है, जो बस है कुछ तो चलना ही नहीं चल रहा था, चलना चाहिए था। पुलिस प्रशासन का ये प्रयास है कि कांवर यात्रा के दौरान शिव भक्तों को परेशानी ना हो, शांतिपूर्ण माहौल में यात्रा वो कर सके और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं। इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आए।